कैप भी कैसे बनाऊं? मेरा फोन आ गया, मेरा फोन आ गया। नहीं, बन गया। चलो लाओ, किससे बनाए? कौन सा वाला? फैज, मेरा फोन आ गया, फैज ने ओपन कर लिया। कितने खुश हैं हम। वो लोगों को व्लॉग का भी इंतजार है, पूछ रहे हैं आपने। फैज, तुमने सबसे पहले चुआ? और होती है सुपर चार्जिंग, बहुत जल्दी दिखाओ। मेरा फोन आ गया, मेरा फोन पर डाल। अब तो मेरा बनाओ। ये रहा मेरा फोन। ये माइक्रो यूएसबी है। अब आपको चार्जर के लिए नहीं लड़ना पड़ेगा मम्मी। हैं? चार्जर के लिए नहीं लड़ना। डेयर टू लीप। अरे डेयर टू लीप ज्यादा दिख रहा मुझे। डेयर टू लीप सिल्वर कलर है ना? नहीं, लाइट ब्लू है। हम खुद कंफ्यूज है। नहीं, लाइट ब्लू है मम्मी। अब आपको हमसे नहीं लड़ना पड़ेगा चार्जर के लिए। देखिए ये मेरा फोन, न्यू फोन। अब देखो मेरा फोन आ गया। अब हम बड़ा में सब क्या है? ये चार्जिंग वाली क्या बोल रहे? ये टाइप सी है। आप हमसे माइक्रो यूएसबी के लिए लड़ती थी। और ये तुम्हारे में तो नहीं लगेगा? नहीं, बस ठीक है। ये बहुत अच्छा हुआ। इन लोगों ना चार्जिंग के पीछे लड़ाई। अब मेरा लगा दो। चलो भैया, अब मिलेगा आप लोगों को अच्छा अच्छा व्लॉग। ये रहा हमारा फोन। लाइट में दिखाओ। रेड हो गया। रियलमी। अरे यार रियलमी में बहुत वाह। माई न्यू फोन रियलमी। इसके अब देखो इसके क्वालिटी, कैमरे वाली क्वालिटी कैसी होगी। जैसे अभी हम लोग आपको इसके फोन से बना के दिखाएंगे। इस पे स्विच करेंगे तो आप बहुत बस बंद कर। आज फटाफट नाश्ते के लिए हम चने आपके लिए चाय के साथ चने बना रहे हैं। देखिए बनाएंगे। हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें हमने जीरा और प्याज डाल दिया है। और प्याज ना एकदम लाल नहीं करना, हल्का सा उसका कच्चापन वैसा निकल जाए। और उसमें ये हमने बॉईल करे हुए चने, रात में इसको भिगो दिया था और सुबह हमने इसको बॉईल कर लिया। और ये इसको डाल देंगे। देखिए प्याज हमारी ऐसी रहेगी, इसमें ये डाल दीजिए। बहुत हम फ्रेश मोबाइल से बना रहे हैं इसलिए क्लियर ज्यादा नहीं आएगा, तो एडजस्ट कर लेना आप। लाइट फुल और ये हमने इसमें काट रखा है प्याज, टमाटर, दो टमाटर हैं और चार पांच हरी मिर्च हैं और हरा धनिया। लाल मिर्च और बॉईल करते में हमने इसमें नमक तो डाल रखा था, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार इसको टेस्ट करके देख लें। वैसे हमारा नमक इसमें डला हुआ है इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। टमाटर थोड़े से हो जाए, उसका पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बड़े स्वाद में अच्छे लगते हैं खाने में। और चाहे तो अगर खटाई और डालना चाहे तो पिसी हुई खटाई इसमें डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर। थोड़ा सा ही डालें क्योंकि टमाटर भी आजकल खट्टे हैं, दो बड़े टमाटर। हमेशा हम यही गलती करते हैं, कैमरा ना फ्रंट में पकड़ देते हैं सीधा।
थोड़ा सा पानी और रह गया इसमें। तैयार है हमारी चने और चाय के साथ गर्मा गर्म खाए, बड़े टेस्टी टेस्टी है पापा। थोड़ा सा हमने इसमें भूनते टाइम तलते टाइम थोड़ा सा चाट मसाला भी मिला लिया। देखिए हमारे चने बहुत टेस्टी है। आप लोगों के लिए नाश्ता थोड़ा सा लिया है मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए नाश्ता रेडी है, बच्चे उठेंगे हमने नाश्ता मिलेगा। हे गाइस अब हम लोग नए फोन में स्विच हो गए तो इसका कैमरा अच्छा होगा, हम खुश हुए। ये वैसे की वही बात, हम देखा कितने चेहरे में खुशी आ गई, वाह 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 वाह। ये मेरा पुराना फोन, मम्मी इसे घसीट रही थी, ये मेरा इसका नहीं, और इसने भी साथ दिया कि जो ना गलत वक्त में साथ आए वही तो अच्छा होता है। फ्लिपकार्ट से मंगाया है तो ये कितने का था ये हमें पता नहीं, आप इसका एक्चुअल प्राइस था 26,000, ये है 20,000 का, इतनी छूट 6,000 की छूट, HDFC से किया था उसमें कम हुआ ना पता नहीं। हम कटहल की सब्जी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने इसमें लहसुन प्याज लेके पीस लिया है, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग हमारे न्यू फोन रियलमी से है, और ये हमने कटहल ये काट के छोटे छोटे पीस करके रख लिए हैं, इसको हम अभी पानी में डालेंगे, और ये प्याज करके रख लिए, और अभी हम आपको बनाना दिखाते हैं। हमारा कटहल जो है इस तरह से थोड़ा सा रेड रेड सा हो, वो ब्राउन सा हो गया है, उसको मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद हम ये प्याज डालेंगे इसमें, प्याज को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे, उसके बाद हमें मसाला भूनना है। इसमें ये आम कच्चा आम डालेगा, ये मसाला हमारा तैयार है लहसुन प्याज का, इसको प्याज को निकाल के फिर मसाला भूनेगा, उसमें ये सब मिक्स करके मसाले में जो डलता है वो सब डालेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा कटहल जो है इस तरह से थोड़ा सा रेड रेड सा हो, वो ब्राउन सा हो गया है, उसको मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद हम ये प्याज डालेंगे इसमें, प्याज को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे, उसके बाद हमें मसाला भूनना है। इसमें ये आम कच्चा आम डलेगा, ये मसाला हमारा तैयार है लहसुन प्याज का, इसको प्याज को निकाल के फिर मसाला भुनेगा, उसमें ये सब मिक्स करके मसाले में जो डलता है वो सब डालेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। हाय गाइस, ये मेरा ये मेरा फोन न्यू फोन रियलमी 8 प्रो आ गया है, और 8 प्रो आ गया है, और मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश। अरे नहीं क्यों देखो डिस्टर्ब करते हैं ये लोग, और मैं जी 2-3 दिन से मेरा फोन टूटा हुआ था, मैं इतनी परेशान थी। हाँ ये वाला हमारा ये फोन है, ये वाला जो हमारा टूट गया था फोन, इसका क्या नाम था, ओनर का फोन टूट गया था एटेक्स का, तो इसका फोल्डर यहाँ बदला नहीं, इसलिए मैंने ये आप ही लोग कर लो। देखो ये लोग हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मम्मी या मम्मी को दे देंगे अपने। ऐसा नहीं होगा, ये हमारे व्यूवर्स के लिए अच्छी अच्छी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही कैमरे की, जैसे ही सुना था तो आज ही आया है। और ये देखिए हमारा घर का इस बीच रेनोवेशन हो गया है, तो मैंने ये दीवार पे ये कुछ लगवाया है, देखिए थोड़ा सा काम चल रहा है। और ये हमारे जुनैद भाई हैं, ये थोड़ा काम पूरा हो जाए, ये थोड़ा वैनिटी पे हम लोग ये बॉक्स लगवा रहे हैं, और ये रेनोवेशन कराया है, तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है। ये देखिए ये एरिया, आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा। तो ये हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है, और सब लोग बैठे हुए हैं, ये गर्मियों में ये बस यही हाल है इन लोगों की। देखिए जरा कैफ भाई अभी इसमें, और हमारे फोन में सारी व्हाट्सएप वगैरह सब करवाना है हमारे छोटे वाली। हाँ हमारा ये देखिए, हम ये जिसलिए बना रहे थे किचन में, हम अपना तेल रख के चले गए थे, कटहल की सब्जी हमें आपको बना के दिखाना थी, तो ये कटहल हमने अपना धो के रख लिया है, इसके पानी का तेल हमारा हो गया है। इसमें हम पहले कटहल को
डालेंगे, इसको तलना, इसको तलना है। हमारा कटहल जो है इस तरह से थोड़ा सा रेड रेड सा हो, वो ब्राउन सा हो गया है, उसको मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद हम ये प्याज डालेंगे इसमें। प्याज को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद हमें मसाला भूनना है, इसमें ये आम, कच्चा आम डलेगा। ये मसाला हमारा तैयार है, लहसुन प्याज का। इसको प्याज को निकाल के फिर मसाला भुनेगा, उसमें ये सब मिक्स करके मसाले में जो डलता है वो सब डालेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। लहसुन प्याज इसमें डाला हुआ है, अदरक। अच्छा एक मिनट, जो आलू उठा दे ना कैफ उधर उनकी साई आंटी के, और ये देखिए हल्दी। लाल मिर्च, क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा मीठा सा रहता है, हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, इसलिए हम इसमें मिर्च सही डाल रहे हैं। और ये सूखा धनिया, उसी ही का क्यों डालेंगे आप उसी में? फैज ये चाह रहे हैं हम इसमें मसाले में गिरा दें इसको, क्यों फैज भाई? ऐसा नहीं जा रहे हैं, अच्छे से दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छे से दिखा रहे हैं, ये बात है। और ये नमक, ये रहा हमारा नमक, ये रहा हमारे कैफ भाई, इधर देखो नमक। नमक तो हम ये डाल रहे हैं, और आप जैसा भी खाते हैं स्वाद अनुसार अपने डाल लेंगे। और इसमें जो कटी हुई जो हमने आम डाल ली है, कच्ची आमियाँ। तो हमारा मसाला देखिए तेल छोड़ चुका है, ये देखिए अच्छे से भुन गया है, अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। इसमें हम ये हमारा ये फ्राई किया हुआ कटहल और प्याज जो है वो डाल देंगे। तो इसमें भी जो तेल है वो भी इसमें आ जाएगा। कटहल में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला जाता है, तभी अच्छा बनता है टेस्ट में। इसको हम मिलाकर थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे। जब तक गल जाएगी, और इसको हम ढक के रख देंगे। जितना ये हमने पानी करके इतना रसा, और जिस प्लाट ये लिया है इसको हम इसको ढक देंगे और रख देंगे। करीब 5 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे। हमारा कटहल वैसे ही फ्राई करने में ही गल जाता है। हमारा कटहल तैयार। थोड़ी सी हल्की सी स्लो करेंगे। ये सारे देखिए मुंह पे बैठे हुए हैं पिज्जा के दीवाने, पिज्जा के दीवाने ये पूरा खत्म, मतलब कुछ सेकंडों में ही हमने पिज्जा उड़ा दिया। मछली की तरह मेरे आने से पहले ही है पिज्जा खत्म हो गया। कमाया हुआ है, लार्ज बोलते मतलब हम ये ना पिज्जा बहुत अच्छा टेस्टी खुशी बनाती है। घर में बनवाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ये तो बाजार का आज मिला, काफी दिन बाद मिला, इसमें बच्चे सारे लोग इसके ऊपर टूट पड़े। ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये खाइए पिज्जा। आज हमने अपने हाथ से बनाया, नेक्स्ट ब्लॉग को अपने हाथ से बना के दिखाएंगे। कमेंट करिए, शेयर करिए, सब कुछ करिए। बोलो ढंग से, बोलो शर्मीले, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खाइए पिज्जा।